हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग एंड डेफिनेशन। इसी के साथ हम देखेंगे एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है और इन्फोर्सिबल बाय लॉ मतलब क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट की मीनिंग क्या होती है, तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिस्कस किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, जहाँ बोला गया है कि द टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड एज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो। सो ऑन एनालाइजिंग डेफिनेशन वी फाइंड दैट कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट। दो चीज़ें हमने इस डेफिनेशन में देखी है, एक कि यहाँ पे एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट, सेकेंड इज वॉट इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग देखें और सेक्शन 2 सबसेक्शन एच, तो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स सिंपल एक एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो। पर एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, ये दोनों टर्म क्या हैं, तो हमें देखना पड़ेगा पहले कि एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। तो व्हाट इज एग्रीमेंट अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, एग्रीमेंट मीन्स द टर्म एग्रीमेंट इज डिफाइंड एज एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसज फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, मीन्स दैट इज एन एग्रीमेंट। वॉट इज एग्रीमेंट, एक प्रोमिस या सेट ऑफ प्रोमिसज जिसके थ्रू एक दूसरे को कंसिडरेशन दिया जा रहा हो या कंसिडरेशन बन रहा हो। कंसिडरेशन मीन्स होता है इन रिटर्न कुछ भी, मीन्स अगर आप कुछ करते हो उसके रिटर्न में, चाहे सर्विस, पैसे, इन काइंड कोई एनीथिंग, हम कुछ भी आपको प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज़ कंसिडरेशन। इन रिटर्न कुछ मिल रहा हो तो दैट इज़ कंसिडरेशन। सो नाउ व्हाट इज़ प्रॉमिस, तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन बी, प्रॉमिस मीन्स व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। नाउ आपने देखा अभी कि कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट और इन्फोर्सिबिलिटी का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट मीन्स वॉट हो, कि प्रॉमिस होना ज़रूरी है, प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस जिससे कंसिडरेशन हो रहा हो। नो प्रॉमिस मीन्स क्या, तो प्रॉमिस मीन्स कह रहे हैं कि एक्ट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि प्रॉमिस मतलब कि जब कोई पर्सन प्रॉमिस कर रहा हो, कोई प्रपोजल दे रहा हो और सामने वाला उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो वहीं पर वो क्या बन जाता है, प्रॉमिस। नाउ मीन्स क्या हो गया, कि एक एन एग्रीमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रपोजल मेड बाय वन पार्टी टू द अदर पार्टी एंड दैट अदर पार्टी गिव्स हिज एक्सेप्टेंस देयर टू। मीन्स एग्रीमेंट मीन्स व्हाट, कि प्रपोज एक पार्टी ने प्रपोजल किया हो, दूसरी पार्टी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया हो, जैसे ये प्रोसेस पूरा होता है वो एग्रीमेंट बन जाता है। तो अगर इन शॉर्ट कहें तो एग्रीमेंट मीन्स व्हाट, ऑफर या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, दैट इज एग्रीमेंट। नाउ सो देखा जाए कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट जो कि इन्फोर्सिबल बाय लॉ हो। नाउ एग्रीमेंट क्या हुआ, एग्रीमेंट सेट ऑफ प्रोमिसज होता है जो कि कंसिडरेशन के लिए हो। ओके, देन प्रोमिस क्या हुआ, प्रोमिस हुआ एक प्रपोजल और उस प्रपोजल का एक्सेप्टेंस, दैट इज प्रोमिस। सो एग्रीमेंट इन कंक्लूजन क्या हो गया, प्रपोजल होना और प्रपोजल को एक्सेप्ट करना। हमने ऑफर दिया पर एग्रीमेंट में तब तक नहीं होगा जब तक वो ऑफर एक्सेप्ट ना हो, सिर्फ ऑफर से कुछ नहीं होगा, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस का होना ज़रूरी है। जैसे ही ऑफर और एक्सेप्टेंस दोनों हो गए, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एग्रीमेंट में, राइट। सो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ क्या होता है, एग्रीमेंट तो हमने देख लिया। इन्फोर्सिबल मीन्स एबल टू बी इम्पोज्ड, कैन बी एक्सक्यूटेड, कैन बी अबाइड बाय लॉ। इन्फोर्सिबल मीन्स जो कि लॉ के द्वारा माना जाए, जो लॉ के द्वारा एग्जीक्यूट हो रहा हो, जिसे लॉ माने लीगल। अगर हम सिंपली समझाएं आपको, तो जैसे मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए हमारा एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, एग्रीमेंट के साथ एक ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ मान रहा हो कि हाँ ये वैलिड है। अब देखिए कैसे, सपोज करिए कि एक पर्सन है और पर्सन ने दूसरे पर्सन को बोला, मैंने ए है, ए ने बी को बोला कि अगर आप सी को शूट कर दोगे तो मैं आपको 50 लाख रुपीस दूंगा। ओके, सीन अब यहाँ पे ऑफर हो गया, सामने वाली पार्टी ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, मींस बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बी ने कहा ओके डन, अब मैं शूट कर दूंगा सी को 50,000 के लिए, एक्सेप्टेंस हो गई। नाउ यहाँ ऑफर हुआ, प्रॉमिस हुआ, कंसिडरेशन में 50,000 रुपीस भी हो गए, ठीक है, और एक्सेप्टेंस भी हो गया, मींस व्हाट, एग्रीमेंट डन।
ऑफर हुआ, एक्सेप्टेंस हुआ। जैसे ही ऑफर एक्सेप्टेंस होता है एग्रीमेंट हो जाता है, ओके। लेकिन अब हुआ क्या, बी जो है सी को शूट नहीं करता है, वो रेडी नहीं हुआ। तो अब क्या हो गया, वो एग्रीमेंट तोड़ रहा है। तो क्या ए इस चीज़ को कोर्ट में जाके बोल सकता है कि कोर्ट में ऐसे ही कि देखिए यहाँ पे इन्होंने हमसे प्रॉमिस किया या इन्होंने एग्रीमेंट हमसे किया और अब ये एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, ये शूट करने के लिए बात की और शूट नहीं कर रहे हैं? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ये इलीगल है। मीन्स वॉट कि एग्रीमेंट होने के साथ साथ उसे लीगल होना भी ज़रूरी है। मीन्स ऐसी चीज़ जिसे आप कोर्ट तक ले जा सकते हो, वो कोर्ट मान रही हो कि हाँ ये चीज़ वैलिड है, तो उसी को हम कहते हैं इन्फोर्सबिलिटी बाई लॉ। सो एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव अ राइज टू अ लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स अ ड्यूटी इन्फोर्सबल बाई लॉ। उसका लॉ के द्वारा इन्फोर्सबल होना मस्ट है, तभी वो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होगा। दस इट कैन बी कॉन्क्लूडेड दैट कॉन्ट्रैक्ट मीन्स वॉट, एक्सेप्टेड प्रपोजल, प्रपोजल दैट इज एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट मीन्स ऑफर देना प्लस एक्सेप्टेंस लेना, तो एग्रीमेंट हो गया, प्लस इन्फोर्सबिलिटी बाई लॉ, तभी वो क्या बन गया आपका, कॉन्ट्रैक्ट। नाउ एक नोटेशन होती है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। मीन्स वॉट, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो भी होंगे वो एग्रीमेंट्स तो होंगे, पर सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हों ये ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट का होना मस्ट है, ऐसा एग्रीमेंट जो कि लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल हो। पर सारे एग्रीमेंट लॉ के द्वारा इन्फोर्सिबल तो होते नहीं है। जैसे मैंने अभी आप एग्जाम्पल दिया था शूट का केस, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? नहीं। दैट्स वाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स नीड नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट। इसके अलावा भी कुछ रूल्स होते हैं, लाइक इन केस ऑफ डोमेस्टिक एंड सोशल एंड पॉलिटिकल एग्रीमेंट। अगर डोमेस्टिक एग्रीमेंट हो रहा है, सोशल एग्रीमेंट हो रहा है, पॉलिटिकल एग्रीमेंट हो रहा, तो वहाँ पे लॉ प्रिज्यूम करती है कि पार्टीज डिड नॉट हैव एनी इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन। मीन्स वॉट, कि अगर कोई डोमेस्टिक या सोशल या पॉलिटिकल केस है और वहाँ एग्रीमेंट हो रहा है, एग्रीमेंट इन द सेंस वॉट, कि वहाँ पे प्रपोजल या ऑफर दिया जा रहा है और वो ऑफर एक्सेप्ट भी हो रहा है, तो वहाँ लॉ प्रिज्यूम करती है कि यहाँ ये जो पार्टीज इन्वॉल्व थी ऑफर और एक्सेप्टेंस में, उनका लीगल रिलेशन क्रिएट करने का कोई मीन नहीं था। इस पॉइंट पे एक बहुत ही फेमस केस है, बेलफर वर्सेस बेलफर का केस। बेलफर वर्सेस बेलफर का केस क्या हुआ था, हस्बैंड गोइंग फॉरेन प्रॉमिस फॉरेन एंड प्रॉमिस टू पे मंथली अलाउंस बट रिफ्यूज टू पे आफ्टर टू हिज वाइफ। मीन्स वॉट, कि एक हस्बैंड है जो फॉरेन ट्रिप पे जा रहा होता है और उस वक्त उसने अपने वाइफ से प्रॉमिस करता है कि वो फॉरेन जाने के बाद हर मंथ उसको कुछ ना कुछ रेमुनरेशन पे करता रहेगा, मीन्स कुछ पैसे भेजता रहेगा। बट लास्ट होता क्या है कि वो फॉरेन जाने के बाद वो पैसे पे नहीं करता है, तो वाइफ क्या कर देती है, केस कर देती है। इस केस में जो लॉ का डिसीजन होता है वो ये होता है कि जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट होते हैं या डोमेस्टिक या सोशल या पॉलिटिकल एग्रीमेंट होते हैं, उसे हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन में नहीं आता है, ये इन जनरल हुआ है, अफेक्शन लव एंड ऑल के वजह से होता है। तो उस केस में हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। जब हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे तो इन्फोर्सबल बाई लॉ भी नहीं मानेंगे। तो उस केस में क्या हुआ था कि वाइफ का केस रिफ्यूज़ कर दिया गया इसी ग्राउंड पे कि ये कोई इन्फोर्सबिलिटी बाई लॉ नहीं है, कोई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जस्ट एन एग्रीमेंट, और एग्रीमेंट इन्फोर्सबल बाई लॉ हो ये ज़रूरी नहीं है, जैसा हमारा स्टेटमेंट कहा। सेकंड केस और होता है कि अगर केस कमर्शियल एग्रीमेंट का है, तो यहाँ पे लॉ प्रिज्यूम कर लेती है कि जो भी पार्टीज़ हैं उनका इंटेंशन है कि वो बीच में लीगल रिलेशन क्रिएट करें। जैसे कि ए एग्रीज टू सेल ए स्कूटर एट ₹50,000 टू बी ऑन 15 February 2020। अब यहाँ पे क्या हुआ, ए एग्री कर गया, मतलब कि ऑफर आया था, एक्सेप्ट हो गया है कि बी को वो स्कूटर 50,000 में सेल कर देगा इस डेट को। नाउ इट्स एन एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऐसा जो इन्फोर्सबल बाय लॉ है, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एग्रीमेंट क्या होता है, इन्फोर्सबल बाय लॉ क्या होता है, सोशल पॉलिटिकल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं, कमर्शियल एग्रीमेंट्स में क्या लॉ प्रिज्यूम करती है। इट्स ऑल ओवर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट। विश यू ऑल द बेस्ट। हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।